हेलो एवरीवन, दिस इज विकृति पांडे। आज चैप्टर नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जो पहले पार्ट में मैंने कवर अप किया है, पहले दूसरे दो पार्ट्स मैंने कवर कर लिए और ये तीसरा पार्ट हो जाएगा चैप्टर का। मैं एक पार्ट छोड़ रही हूँ, जो चौथा पार्ट है चैप्टर का उसको मैं छोड़ रही हूँ, इन्वेंटरी मैनेजमेंट को मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं बस इतना ही पूरा कर लेती हूँ ना प्रॉपरली, तो मेरा इसमें से एक भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक मॉड्यूल का 15 मार्क्स का एक मॉड्यूल होता है, मुझे 15 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे बस इतना ही करने से। सो मैं आगे का नहीं कर रही हूँ, मैं बस तीन पार्ट ही कवर कर रही हूँ। और इसको ही अगर हम प्रॉपर रीड करें और प्रॉपर समझ ले बस एक बार, तो उसको लिखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, क्या है अपने थर्ड टॉपिक में, स्टेप इन प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, PPC, मेजर स्टेप इन PPC। क्या मेजर स्टेप है, मतलब जो कि सब में फॉलो होगा, रूटिंग, शेड्यूलिंग, फॉलो अप एंड डिस्पैचिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, रूटिंग। दिस प्रोसेस स्टॉक विद द रूटीन विद कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस डिसाइडेड द पाथ ऑफ वर्क एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। इसमें हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोसेस रहेगा, सीक्वेंस कैसा रहेगा, कैसे कैसे करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूटिंग इज टू फाइंड आउट द बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस। बेस्ट और चीपेस्ट सीक्वेंस कौन सा, उसको फाइंड करना। यूज टू प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर गुड और इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। और स्मूथ फ्लो को बढ़ाना, मतलब आसानी से कम रेट में अगर हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको ऐसे ही बनाना, कंटिन्यूस करना, वो किसका ऑब्जेक्ट है, रूटीन का। प्रोसीडर्स डिटरमाइनिंग व्हाट टू मेक एंड व्हाट टू परचेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स, लॉट साइज ऑफ प्रोडक्ट, स्क्रैप फैक्टर्स एंड प्रीपोज, रूटिंग एंड शेड एंड प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर्म्स। इसमें क्या क्या आएगा, देखो, डिटरमाइन व्हाट टू मेक एंड व्हाट टू परचेस, क्या खरीदना है, क्या बनाना है, क्वालिटी और क्वांटिटी को कंट्रोल करना, और क्या साइज होगा प्रोडक्शन का, कितने ज़्यादा करना है, और स्क्रैप फैक्टर, स्क्रैप मतलब कितना ज़्यादा स्क्रैप अपने को निकल रहा है उसमें से, वो सब किसके अंडर में आता है, रोटिंग करेंगे तो हमको पता चलता है कि क्या होने वाला है। फिर आ गया लोडिंग, व्हाट इज लोडिंग, लोडिंग इज इन्वॉल्व टू कॉम्पुटेटिंग अ टोटल ऑफ टाइम वेरियस प्रोसेस। अभी कितना इसमें टाइम लगने वाला है उसको कंप्यूट करता है, उसको कितना लगने वाला है टाइम, कितना रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट करता है। टोटल टाइम रिक्वायर्ड, यूनिट ऑपरेशन टाइम इनटू नंबर ऑफ यूनिट और पार्ट ऑफ प्रोसेस, दोनों को इनटू करने पे हम लोग का टोटल टाइम रिक्वायर्ड आ जाएगा, कितना यूनिट बनाने का टाइम लगता है और कितना यूनिट बनाना है। विथ दिस वी कैन कैलकुलेट द टोटल रिक्वायर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस, इट लीड टू ऑपरेशन इज लिस्ट शेयरिंग द प्लान, यूटिलाइज द मशीन इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, अब चलते हैं शेड्यूलिंग, इट इज अ स्पेसिफिक द स्टाफ एंड फिनिश टाइम ऑफ ईच ऑपरेशन इन द प्रोसेस, इट इन्वॉल्व टू प्रिपेयर ऑफ टाइम प्रॉपर। इसमें क्या रहता है, प्रॉपर टाइम कि कभी क्या करना है सब क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने जाएंगे। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इंश्योर द कंपटीशन ऑफ ईच टास्क इज
प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम पे जो भी टास्क कर रहे हैं वो प्रॉपर टाइम पे हो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रोसीडर क्या होगा, लिस्ट आउट द ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज, सारे जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको लिस्ट आउट करना। प्रिपेयर द टाइम टेबल, टाइम टेबल प्रिपेयर करना। डिसाइडिंग द स्टेप एंड फिनिश द टाइम टू एवरी एक्टिविटी, सबका टाइम डिसाइड करना कि कब स्टार्ट करना कब फिनिश करना है, सारे एक्टिविटी का टाइम डिसाइड करना है। ठीक है, डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग इट डील विद द असिस्टेंट ऑफ वर्क एंड गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्टिंग द मशीन ऑपरेशंस सो दैट द वर्क इज कंप्लीट एज पर द शेड्यूल टाइम्स। अभी देखो कोई भी काम करना है तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना ज़रूरी है। अगर मशीन मशीन रहेगा, वर्कर्स रहेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे कि हाँ ये काम अभी करना है, मतलब मुझे 5 बजे से काम स्टार्ट करना है और एट द एंड मुझे 9 बजे तक ये काम फिनिश करना है। अगर हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे तो ही वो प्रॉपर काम कर सकते हैं, वरना उनको समझ में कैसे आएगा कि क्या करना है और कितना टाइम है। वेल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्पैचमेंट इज दैट डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम। इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, सही काम सही समय पे करो बस, और कंप्लीट प्रोडक्शन। प्रोसीडर क्या है इसका, अरेंजमेंट ऑफ मशीन एंड टूल्स, प्रिक्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट, जितना रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट उतना लेके आओ, अरेंज मशीन का अरेंजमेंट करो, असेसिंग द इशू एंड ऑर्डर टू वर्क एंड इट्स ऑपरेशंस, इशू ऑर्डर टूल्स डिपार्ट टू सप्लाई एंड अदर एज पर द रिक्वायरमेंट, मेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ईच टास्क और एक्टिविटीज, पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या टूल्स लग रहे हैं और उसका सप्लाई क्या है उसके बारे में प्रॉपर होना चाहिए मालूम अपने को। मेरा गला का कंडीशन थोड़ा ख़राब है, सो सॉरी फॉर दैट। फॉलो अप, इट इन्वॉल्व्स टू रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग द, मतलब इसका क्या मीन है कि जो हो रहा है उसको उसको रिपोर्टिंग करना कि मतलब प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। इफ़ नेसेसरी देन टैक अप्लाई द कन्वर्टिंग नेसेसरी टू द ऑब्टेन द राइट रिक्वायरमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो राइट क्वालिटी और क्वांटिटी है उसके बारे में बताना, मेजर करना। इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्जेक्ट टू राइट क्वालिटी राइट प्रोडक्शन, इट मेन ऑब्जेक्टिव इज मेंटेन मेंटोर द इंटायर प्रोसेस एंड परफॉर्म द इंश्योर द राइट क्वालिटी एट राइट प्रोडक्शन, सारे सबको नोट करना और बताना कि राइट क्वालिटी है और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों राइट है क्या। इसका प्रोसीजर क्या है, मेजर द एक्चुअल प्रोडक्शन, कंपीट द एक्चुअल विद द प्लान, मतलब अब मेजर करना कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ उसके बारे में बताना, उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या कॉजेस है और टैक मेजर टू कवर इट, और जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे कवर करेंगे। एनालाइज द सिलेक्ट करेक्ट मेजर टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस, क्लियर मेजर होना चाहिए कि क्या रॉन्ग हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले उसको जानना जरूरी है। रिव्यू टू करेक्ट मेजर, करेक्ट मेजर को भी रिव्यू करना जरूरी है। अब लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, सिक्स्थ पार्ट जो है इस टॉपिक का, यही हमारा लास्ट टॉपिक है। रिप्लानिंग, प्लानिंग इज नेसेसरी टू इंश्योर द इफेक्ट और यूटिलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड
personal replacement review routing and scheduling and new plan is developed. ठीक है, replanning मतलब वापस से planning करना, जो गलती हुई थी उसको सुधारते हुए रिटर्न प्लानिंग करना और नेक्स्ट टाइम जो होगा उस पर काम करना प्रॉपर. इन इफेक्ट, कम डालने पर जिसमें ज़्यादा वो मिले, ज़्यादा फायदा हो, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिले. ये हम लोग ने पहले पढ़ा था, याद है आप लोग को, पढ़ा था हमने पहले वीडियो में. प्रोडक्टिविटी इज रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ इनपुट. प्रोडक्टिविटी क्या है? आउटपुट और इनपुट का रेशियो है. प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं होता प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन. प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्वालिटी का. क्वालिटी का रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. और ये क्या है? रेशियो और परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी. ये क्वांटिटी का रेशियो और परसेंटेज है. ये इंक्रीज इन प्रोडक्शन इंक्रीज, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए है. और ये इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन इनपुट. ये इफिशियंसी जब इम्प्रूव होगा तब जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है उसके बारे में कौन बताता है? प्रोडक्टिविटी. और प्रोडक्शन के बारे में ये बताता है इफेक्ट यूटिलाइज ऑफ रेशियो. रेशियो का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? और यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन इनपुट. इनपुट में जब हम लोग ज़्यादा उसमें डालेंगे तो उसमें से आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, ये कौन बताता है? अपना प्रोडक्शन. और प्रोडक्टिविटी क्या बोलता है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इंक्रीजेस इफिशियंसी. अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल. प्रोडक्टिविटी इज इन्फ्लुएंसिंग बाय द क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक. क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ज़्यादा. इट हेल्प्स टू डिटेल द क्वालिटी डिवाइस टाइमली एंड करेक्ट मेजर ऑन द टेकिंग द मेंटेन द इनपुट एंड क्वालिटी. क्वालिटी सर्कल प्रॉपर, अगर क्वालिटी सर्कल रहेगी तो उसके हिसाब से हाई प्रोडक्शन होगा. सारे जैसे इंजीनियर है, उसके बाद टेक्नीशियन है, IIT वाला है, वो सब साथ मिलकर अगर कोई भी काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होने की संभावना है. संभावना मतलब होगी ज़्यादा अच्छी, तो उससे अपना वो इम्प्रूव कर पाएंगे क्वालिटी हमेशा डे बाय डे हम लोग प्रॉपर अगर उसको देखेंगे तो. क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल रहेगा तो उसका हायर प्रोडक्टिविटी होगा. और उसके बाद मेजर भी सजेस्ट करेंगे कि आउटपुट कैसे बढ़ाए, इन कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करे, वो क्वालिटी सर्कल का काम है. लोकेशन फैक्टर, अब ये ज़रूरी है कि हमारा फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है. इफ़ अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ का रेंट बहुत हाई है, वहाँ पे लेबर बहुत कम है, सो वहाँ पे हमको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे कंपेरेटिवली जहाँ का अभी रेंट बहुत लो चल रहा है और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमको कम पे करना पड़ेगा. ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे. किसका सेकंड? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग का सेकंड. ठीक है, ये सब पॉइंट्स है किसके? अपने इसके. भाई साहब ये क्या है? प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती तो उसका सॉरी फॉर दैट. मैं काम कर रही हूँ अपने ऊपर, बट कितना काम करेगा कोई, धीरे धीरे होगा ना. एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, आई नो. और मुझे सपोर्ट नहीं करते हो आप लोग, नो कमेंट्स, नो रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर दैट. प्रोडक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. अब प्रोडक्टिविटी का क्या काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट में? ऑब्टेन द फंड्स फ्रॉम द राइट सोर्सेज एट लोअर कॉस्ट. अभी हम लोग फंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर पाना चाहते तो उसके लिए हमको कॉस्ट कम करना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं एक शेयर बेच रही हूँ 100 रुपये का और उसके बाद मैं उस पर प्रॉफिट देने वाली हूँ 110 का, ये तो मैं ज़्यादा लुटाने वाली हूँ ना. ऐसा है कि 100 का मैं बेचूँ और मुझे 101 बस देना पड़े तो वो मेरे लिए
प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि अभी 5-6 साल बाद तो उस शेयर का प्राइस भी तो, मतलब रुपए की प्राइस भी तो बढ़ जाएगी ना उसके हिसाब से. वेल, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. प्रॉपर मैनेजमेंट होगा फिक्स्ड कैपिटल का और वर्किंग कैपिटल का. प्रॉपर क्रेडिट मैनेजमेंट, क्या क्रेडिट चल रहा है, उसको कैसे ख़त्म करना है, हाउ रिड्यूस, कितना ज़्यादा है, वो सब पता चलेगा. और उसके बाद अच्छा बैंकिंग हो जाए, बैंकिंग से भी मतलब फ़ायदा ही होगा अगर प्रॉपर मैनेज करके रखेंगे तो, बहुत फ़ायदा होने वाला, प्रोडक्टिविटी होगी अच्छी बात. अब तीसरा, ये किसका सब पॉइंट, ये इसमें सब पॉइंट्स नहीं थे, ठीक है, एक में सब पॉइंट थे, सेकंड में कुछ सब पॉइंट नहीं. अब थर्ड पे चलते हैं, ये क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. फॉर यही तीनों हम लोग ने उसके बीच में पढ़ा था ना कि क्या क्या है. याद आया, याद आया, हाँ ऐसे याद करते चलो. फॉलो द फैक्टर डायरेक्ट, अगर कोई काम करने वाला ही नहीं रहेगा तो कहाँ से अपन बांटेंगे. अभी जब अपने पास एचआर डिपार्टमेंट है, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च एंड सिलेक्शन एम्प्लॉयज़ है, फिर प्रॉपर प्लेसमेंट. अभी प्रॉपर प्लेसमेंट करना भी ज़रूरी है, अपने पास एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे हैं. जो IIT वाला है उसको मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में डाल दिया, जो साइंस वाला है उसको मैंने IT में डाल दिया, और जो क्वालिटी सर्कल है उसका मैंने पूरा बिगाड़ धजिया उड़ा दिया है. तो उसे क्या होगा, मेरा कंपनी ऑटोमेटिक डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा एकदम, ठीक है. तो उसको प्रॉपर, उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर मैनेज करने के लिए. प्रोविजन ऑफ एडवोकेट ट्रेनिंग एंड राइट पीपल एट राइट प्लेस. अगर राइट पीपल राइट प्लेस पे रहेगा तो वो प्रॉपर वर्क करेगा. अगर मैं मेरे को कंप्यूटर का काम है तो मुझे IIT वाले को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तब वो प्रॉपर मैनेज कर सकता है. साइंस वाला बंदा कितना भी करेगा उसको मैनेज नहीं कर पाएगा. प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रिशियल प्रिपरेशन एंड द ट्रांजेक्शन पॉलिटिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट और ऑल द एम्प्लॉयज. बराबर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे और प्रॉपर उन लोगों को पे करेंगे और थोड़ा सा बोनस दे देंगे तो एम्प्लॉयज भी हैप्पी रहेंगे, जैसे हम लोग हैप्पी रहते हैं. अगर आप एक लाइक और एक शेयर कर दे तो, एक कमेंट कर दे तब तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है. प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एंड इफेक्ट कंपटीशन पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसिंग द अभी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, सब कुछ रहेगा, लाइट फैन, उसके बाद AC कूलर जो जो चाहिए अपने को, प्रॉपर मशीनरी रहेगी उसका टेम्परेचर लो करने के लिए, प्रॉपर उसका सिस्टम रहेगा, सो हम कोई भी काम कर सकते हैं. ओके, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, सो मैं सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट पार्ट, 4th और 5th पार्ट मैं सेकेंड वीडियो में कवर अप करूँ. सो सॉरी, मेरा एक प्रॉमिस ब्रेक हो रहा है कि मैं 3 वीडियोस में पूरा कवर कर लूँगी, बट ये नहीं हो पाएगा. मैं अभी एक और वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं सारे जितने पॉइंटर्स हैं सारे मैं कवर अप कर लूँगी. उसके बाद एक 5th वीडियो रहेगा जो कि पूरे ये जो चारों वीडियोस रहेंगे उसका कवर अप लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोग सारे पॉइंटर्स कवर अप करेंगे. एक क्विक रिविज़न टाइप का होगा, मैराथन टाइप का, एक मॉड्यूल का मैराथन हो जाएगा, ठीक है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए कुछ बेस्ट करने का ट्राई करें. Thank you so much for watching my video. And thank you so much, yaar. Babu bhai, ab idhar se chalu karte hain. Factor influencing productivity. Ab kaun sa factor productivity ko behkata hai, influence karta hai, wo dekhte hain, theek hai. Productivity depends upon the number of factor. Bahut saare factor pe productivity depend karti hai. It likes with the product and depend higher production can be activate all the functions of depression or organ such as a production, marketing, finance and human resources. ठीक है, ये बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें से आ गया अपना प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है,
फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में जो पहला आएगा प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें पहला क्या है, ये पार्ट वन है इसका, ठीक है, ये इसका पार्ट वन है। मेरी बुद्धू दोस्त इसको बराबर लिखी नहीं है। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल, दे मस्ट टू बी प्रिपेयर द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, अब प्रोडक्शन में भी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होना ज़रूरी है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंश्योर क्या करता है, स्मूथ फ्लो को इंश्योर करता है और हायर आउटपुट देता है लोएस्ट इनपुट में, ठीक है। मशीन एंड इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए जिससे रिपेयर का चार्जेस रिड्यूस होता है और हाई आउटपुट एट लो इनपुट में, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होता है कम इनपुट में। अगर हमको रिपेयर का पैसा नहीं देना पड़ेगा तो ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा उसमें। प्लानिंग लेआउट क्या है, पहले हम लोग अगर लेआउट तैयार करेंगे तो उसके हेल्प से हम पूरा काम फटाफट फटाफट कर सकते हैं, स्मूथ फ्लो होगा प्रोडक्शन में और उसका रिजल्ट क्या होगा, हाई प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेंट प्रोडक्शन एंड फर्म मस्ट हैव टू R&D, रिटेशन सबसे ज़रूरी हो जाता है। अगर नया प्रोडक्ट बना रहा है तो रिसर्च और डेवलपमेंट ज़रूरी है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर हमको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसको उसके हिसाब से हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्वांटिटी इम्प्रूव नहीं कर सकते। और डिमांड अगर हमको पता ही नहीं रहेगा उस चीज़ का, इस टाइम डिमांड ही नहीं है। अब जैसे बारिश में अगर हम लोग स्वेटर बेचें तो उसका क्या डिमांड होगा क्या कभी।